सबसे पहले मिशन परब के नाम से सबको एक साथ महसूस है और मैं कैंडिडेट मानसी और मेरे ओर से मिशन परब की ढेर सारे शुभकामनाएं आप सबों को देता हूँ। आज के दिन हमारे गोसनाथ एवेंजेलिकल लुथरन कलीसिया के निमित्त एक ऐतिहासिक दिन है जो हमारे कलीसिया 1845 के 2 नवंबर जो हमारी कलीसिया स्थापन हुई और जिसके पीछे हमारे कलीसिया की बड़ी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है जिसे हम संक्षेप में आप सबों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जर्मनी से हमारे फादर गोसनर एवेंजेलिस्ट का 4 मिशनरियों को वे मिशन कार्य के निमित्त वे बर्मा देश भेजे थे और वे 4 मिशनरी हम पाते हैं, पहला एमिल सक्स, दूसरा अगस्तस ब्रंक, तीसरा हेड्रिक वच और चौथा जो थियोडोर यंग के। ये 4 मिशनरी 1844 ईस्वी में वे बर्मा देश के मरगुई शहर में आए और वहाँ आकर वे देखे कि वहाँ सच में उनसे पहले अमेरिका बैप्टिस्ट क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा सुसमाचार प्रचार किए जा रहे थे। इस निमित्त वे सोचे कि वहाँ मिशन या सुसमाचार प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए वे वहाँ से वे कलकत्ता की ओर आए और हम कलकत्ता जानते हैं कि उस समय और अभी भारत के एक कमर्शियल एक बिजनेस के शहर के रूप में हम जानते हैं और जहाँ वे सीप के द्वारा या पानी जहाज के द्वारा वे कलकत्ता पहुँचे और वहाँ आके वह मिशनरी सेंटर के रूप में वहाँ रुके। लेकिन वहाँ भी रुकते हुए कई दिन वे रुकते हुए वहाँ वे देखें कि बहुत सारे ऐसे कुली मजदूर जो झारखंड के रहने वाले थे उन सबों को वे ऑब्जर्व किए और वहीं से वे उन सबों को पूछने लगे कि वे कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आए हैं। इस निमित्त वे उन सबों को पूछने के दौरान उन्हें पता चला कि वे झारखंड के या हमारे जो आदिवासियों के देश है वहाँ से आए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कुली के रूप में वहाँ काम कर रहे थे, एक लेबर के रूप में काम कर रहे थे। इस निमित्त वे सोचे कि वहाँ से वे झारखंड की ओर तथा रांची की ओर वे जाए और वहाँ सुसमाचार के प्रचार को कार्य आरंभ करें। इस निमित्त वहाँ से वे कलकत्ता से हुए रांची की ओर रवाना हुए और आते आते ऐतिहासिक के रूप में हिस्ट्री बताते हैं कि वे उस समय कम्युनिकेशन के बहुत ही दिक्कत थे, इसलिए वे बैलगाड़ी के द्वारा वे रांची पहुँचे और रांची 1845 के 2 नवंबर में रांची आ पहुँचे और वहाँ तंबू गए जहाँ आज भी हम जानते हैं कि वह मोरेडा का जो बंगला है वहीं तंबू गए। वहीं से सुसमाचार के कार्य को आरंभ करने का प्रयास किया। इस निमित्त हम देखते हैं कि 1845 के 2 नवंबर जो हमारी कलीसिया के निमित्त ऐतिहासिक दिन के रूप में देखते हैं जिस दिन हमारे कलीसिया की स्थापना। सच में हम उसी दिन को आज देखते हैं, हम बड़ी हर्षोल्लास के साथ में हम यहाँ तीन दम चपटली होकर संडे स्कूल हो तथा जवान ज्योति या युवा संघ के रूप में हो आज मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता रखे गए थे और बहुत सारे कार्यक्रम आज होने वाले हैं और हो रहे हैं और जिसके द्वारा हम इस खुशी में हर सबको हम आप सबको बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। हार्दिक शुभकामना आज के उत्सव के द्वारा आप सभी को मिले और जिसके द्वारा हमारी कलीसिया और भी बढ़ते जाए और जिसके ऊपर हमारी परमेश्वर की आशीष हमेशा बना रहे और ऐसे ही फलवंत होते जाए। यही शुभकामनाओं के साथ में पुनः आप सबों को मिशन पर आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।